हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम में स्वागत है। आज मैं आपके लिए नंबर्स के कंपैरिजन करने की शॉर्ट ट्रिक लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ग्रेटर, 2^6 और 3^4। 6 और 4 का एचसीएफ 2 है, तो हम 2^6 को लिखेंगे 2³² और 3^4 को लिखेंगे 3² होल स्क्वायर। 3² = 9, 2³ = 8, 9 > 8, 9² = 8². सो 3^4 > 2^6, 3^4 2^6 से बड़ा होगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटर, 4^15 और 5^12। 15 और 12 का एच सी एफ 3 है, तो 4^15 को 4^5 क्यूब लिख लेंगे और 5^12 को 5^4 होल क्यूब लिख लेंगे। 4^5 इज 1024, 5^4 इज 625। 625 छोटा है 1024 से, तो 1024 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो 625 के क्यूब से बड़ा होगा, तो 4^15 ही हमारा आंसर है, यही बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटर, 5^6 और 6^5। ऐसे नंबरों में जिनमें बेस और एक्सपोनेंट आपस में बदल दिए गए हों, तो 0, 1, 2, 3 को छोड़कर शेष सभी नंबरों के लिए जिसमें एक्सपोनेंट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ 5^6 बड़ा है 6^5 से। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटर, 10^11 और 11^10। अब 10^11 में एक्सपोनेंट 11 है और 11^10 में एक्सपोनेंट 10 है, तो 10^11 की एक्सपोनेंट बड़ी है, इसलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3^50 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1+3+3² 9 हो जाएगा, +3³ 27। अब 3^50 बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को जोड़ने पर 40 आ जाएगा। अब 40 की लास्ट डिजिट है 0, तो ये 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।